नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्लोक की इस देश की खास बात जानते हो, हर जात ने अपना एक हीरो चुन रखा है, हर जात ने उसी का ढोल बजाती रहती है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, उधर पंडित बजा रहे हैं परशुराम परशुराम परशुराम, उधर राजपूत बजा रहे राणा राणा राणा। अपना कुछ नहीं है, अपना बिकवंगा है। हर जाति ने एक एक आदमी को पकड़ रखा है, उसी का ढोल बजाए रहती। अगर उस बड़े आदमी को वो फॉलो कर ले तो वो पूरी जाति महान बन जाए, नहीं? इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी। जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई, जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा दोस्त दो सब्जेक्ट में फेल हो गया तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू दो सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़ने के लिए। महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे, वो बस कमजोर हो गए। वो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बना जाता और भगवान। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम भूल गए। और यही बात जब मैं बोल देता हूं तो इनको आग लग जाती, तभी हमको ट्रॉल करते हैं, ये गाली दे रहा है ब्राह्मणों को, ये राजपूतों को गाली दे रहा है, तुम हो ही गाली खाने लायक। मिलकर हो, इतनी मुश्किल से ये देश बना है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। अब अगर भगत सिंह नीचे आ जाए ना, फिर से बुला लें अंग्रेजों को कि चलो यार तुम ही लोग ठीक हो, आओ चलाओ मोदी जी को उतारो। कर्जन कहां है? आ जाएगा टोपी उपी लगा के कर्जन। तुम रह नहीं सकते साथ में, तुम बिना मार खाए रह नहीं सकते। टेनिसन एक अंग्रेज हिस्टोरियन, उसकी किताब है इंडिया, उसने लिखा है कि अंग्रेज इतने हतप्रभ थे भारतीयों को देख के कि वे पागल वागल है, ये लोग अपने ही घर पे कब्जा करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि भैया ये लो पैसा हमारे घर पे कब्जा कर लो। ड्यूप्ले फ्रेंच गवर्नर पांडिचेरी का, उसने फॉर्मूला निकाला राजा बनाने का सिद्धांत, किंग मेकर। चंदा साहिब को बिठाया कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में, और दोनों ने जंग गिफ्ट दिया ड्यूप्ले को। चंदा साहिब ने पांडिचेरी में 80 गांव दिए, मुजफ्फर जंग ने 20 लाख रुपया दिया, मसूली पट्टनम का टाउन दिया, उसको गवर्नर बना दिया कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। वो पागल हो गया कि इतना। पहला फॉर्मूला था फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर, उस फॉर्मूले को डेवलप किया ड्यूप्ले ने, यूज किया क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 क्लाइव बंगाल आता है, बंगालियों से पूछता है कि राजा कौन बनेगा, मीर जाफर हाथ उठाता है, भैया हमको बना दो भैया। हाँ बोले उसको बनाओ। 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी को जाफर को बना दिया बंगाल का राजा। जाफर ने सबको पैसा दिया, कंपनी के हर अधिकारी को पैसा दिया, क्लाइव को 50 लाख रुपया दिया 1757 में। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी डेली पैसा मांगते थे उससे जाके, 10 रुपए दे दो सिगरेट लेना है डेली।
1760 में उसने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं, बोले नीचे उतर, पैसा नहीं है। अब कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, सर बोले उसके बेटा। और वो बैठने के बाद सद्दाम हुसैन बनने लगा, नेता बनने लगा। और मराठा रघुनाथ राव, उसने भी कंपनी से आगे कहा बंबई प्रेसिडेंसी से, मैंने सुना है कि तुम राजा बनाते हो। बोले हाँ, ये हमारा नया धंधा। बोले हमको पेशवा बना दो यार। बोले पैसा लाओ? लाए। ट्रीटी ऑफ सूरत, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फिर वो रानी जिंदान, रंजीत सिंह की विधवा, वो आई अंग्रेजों के पास कि मेरा बेटा रो रहा है राजा बनने के लिए। बोले बनाएंगे ना मैडम, और किस लिए आए? तुम्हारे बेटे को राजा बनाने ही तो आए। फोटो की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। फोटो से पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो यार, जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य, 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो। तुम कह रहे हो अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैला हो जीवन में, ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह के फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी मां ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है। जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा उसके साथ रहने से फायदा ही क्या है? पूरी जिंदगी समझाने में बीत जाएगी तुम्हारी। कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, यही था, ये जो तुम समझ रहे हो ना यही था। तुम्हारी डायरी तुम्हारा आईना बन जाएगी, तुम्हें डेली दिखाती रहेगी कि तुम क्या करते हो दिन भर। आ गई है बच्चों को लेकर अमेरिका से, आ गई और कह रही है कि मैं दुआओं में इनको हमेशा याद रखती थी। अब तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त आके तुमसे कह रहा है यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही। अब तुम उसको अपने कमरे में बिठा रहे हो, 3 घंटे समझा रहे हो। तुम जिंदगी में चपरासी नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा दोस्त बीमार है, तुम उसे हॉस्पिटल ले गए, ये ह्यूमैनिटी है? ये ह्यूमैनिटी है कि तुम्हारे बगल के रूम में जो लड़का रहता है वो बीमार है, तुम उसे अस्पताल ले गए, एक दिन जब तक उसके मां बाप नहीं आए तुमने उसकी सेवा की, ये करना है? ये है मानवता, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इस दुनिया में तुम सबका दुख दूर कर लोगे? बताओ हमको, आओ हमारे साथ चलो। अखिलेश भैया को दुख है, किसको दुख नहीं है इस दुनिया में? अभी तुम बस कह दो भैया हमको मदद करने में बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे घर के सामने 500 लोग खड़े रहेंगे। तुमको ये देखना है कि मानवता क्या है और दुनियादारी क्या है। तुम्हें दुनियादारी में नहीं फंसना है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले, दूसरी बना ले। अरे मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास है ना, हाँ दूसरों को दे देना। ऐसा थोड़ी तुम्हारा प्यार दिल निकाल के जेब में रख के चली गई है, तुम्हारा दिल है ना तुम्हारे पास, हाँ तो दूसरे को दे देना, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, पूरी दुनिया को प्रेम बांटते चलो। हाँ वो लेके चली गई है तो फिर कुछ किया जा सकता है। अब ऐसे लोगों को अगर तुम एंटरटेन करोगे, इसलिए मैं कहता हूं डायरी बनाया करो, और रात में सोने से पहले डायरी देखो कि पूरे दिन भर मैंने क्या किया,
इनसे मुलाकात हुई, इनसे मिला, कहां गया मैं, मेरा टारगेट क्या था, मेरा प्रोजेक्ट क्या था। शाम को अपनी डायरी जरूर देखा करो कि आज मैंने किया क्या। तुम्हारी डायरी तुम्हारा आईना बन जाएगी, तुम्हें डेली दिखाती रहेगी कि तुम क्या करते हो दिन भर। और इस दुनिया में या तो तुम किसी को इस्तेमाल करोगे या कोई तुम्हें करेगा। लेकिन अब हम ये कह नहीं सकते ना, तुम्हें कहना पड़ता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई तुमसे आगे कहे कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, तुम्हें कोई दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम सोच के देखो, तुम किसी से आगे कह रहे हो कि मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना है। इसलिए जब छोटे लोग बड़े लोगों से मिलते हैं और कहते हैं साहब हम आपको बहुत मानते हैं, नहीं भी मानोगे तो क्या बिगाड़ लोगे? यहां प्यार वार जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, समझौता होता है। समझौता करना चाहिए राजाओं को। राजा प्यार कहां करता है? वो समझौता करता है। ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ कानपुर, ट्रीटी ऑफ बस्ती, गोरखपुर, जब तक रिश्ता चले ठीक है, नहीं चले नमस्ते करो, सलाम करो, डिनर कराओ अगले आदमी को, और उसके बाद उसकी बुराई भी मत करो। यहां लोग रिश्ता टूट जाता तो बोलते हैं हम सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, राजा ही एक अलग खेल है, एक अलग गेम। भावुकता में सेवा सिर्फ गरीब लोग करते हैं, अरिस्टोक्रेसी कभी नहीं करती। इलेक्शन में देखा तुमने, कुछ लोग कैसे बेचारे दिन दिन भर घूम रहे थे। एक दो लोगों से मैंने पूछा इलेक्शन के बाद कि 100 बीघे पट्टा मिला तुमको? अरे नहीं भैया, ये जो गरीब है ना, ये इसकी अपनी सोच की वजह से गरीब है। यहां से जो विदाई की लड़ रहा है उसके पास पैसे की कमी है, और कमी है तो लड़ क्यों रहे हो? तो अगर वो तुमसे कह रहा है कि 10 घंटे टाइम दे दो मुझे, प्रचार करो मेरा, कह दो साहब 1,00,000 रुपए पर डे लेंगे। लेकिन वो तुमसे कह देगा अरे तुम यादव हो और समाजवादी के लिए ऐसा कह रहे हो। तुमने सांस खींची पूरे कि हाँ अखिलेश भैया तो आएंगे। सिर्फ यादव थोड़ी, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे मुसलमान, सबके साथ तो हो रहा है। दिन दिन भर टहले लोग, दिन दिन भर मिलना उनको कुछ नहीं। जिनको मिलना है वो कभी घर से बाहर ही नहीं आए। उन्होंने चंदा भिजवा दिया कि कपूर साहब जी 2 करोड़ रुपए भिजवा रहे हैं। जी भैया, अब वो 2 करोड़ के बदले 200 करोड़ गवाएंगे सरकार बनने के बाद। और ये जो दिन दिन भर मरा है इसको एक लड्डू खिलाया जाएगा। भावुकता में जो सेवा करते हैं वो गरीब लोग करते हैं, इसीलिए गरीब भी होते हैं। मदद नीडी की जाती, नीडी की, सबकी नहीं की जाती। और यूपी को मिला मॉन्क, पंजाब को मिला ओल्ड मॉन्क। सिद्धू साहब उसको लाफ्टर चैलेंज में, सिद्धू साहब से वो लाफ्टर चैलेंज में हाथ जोड़ता था। देखो तो किस्मत, किस्मत नहीं भगवान की महिमा, मैं उसको भगवान की महिमा मानता हूं। जितने बड़े बड़े सामंत थे पंजाब के सब गायब, खत्म। उसकी बीवी ने उसे 7 साल पहले डाइवोर्स दे दिया था, अभी आ गई है। अरे अभी आ गई है, बच्चों को लेकर अमेरिका से आ गई और कह रही है कि मैं दुआओं में इनको हमेशा याद रखती थी। ये सब पढ़ने के लिए नहीं होता, ये सीखने के लिए होता है कि शक्ति सर्वोपरि है। तुम जो किसी को मनाते हो ना, किसी को भी, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज हो, चाहे जहां हो, तुमने कुछ कहा, सामने वाला बुरा मान गया, अब तुम उसे समझा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, यही था, ये जो तुम समझ रहे हो ना यही था। जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा उसके साथ रहने से फायदा ही क्या है?
पूरी जिंदगी समझाने में बीत जाएगी तुम्हारी। जो तुम समझ रहे हो यही मेरा मतलब था, यही कहना चाहता था मैं। तो सूरज जब सुबह उगेगा ना तो बाहर लोग जल चढ़ाने के लिए निकलेंगे। किसी को पता नहीं जल चढ़ाने से क्या होता है, लेकिन लोग निकलते हैं। शक्ति है ये, पूरी धरती उसी शक्ति के बल पे चल रही है। और सबसे बड़ी क्रिया जो वो करता है, जिसकी वजह से हम भोजन खाते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम बेसिकली सूर्य की एनर्जी को ही खाते हैं कन्वर्टेड फॉर्म में। ये जो गेहूं अभी एक दो महीने पहले हरे हरे थे, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, वो सूरज से एनर्जी ले रहे थे। तो जो खाना हम खाते हैं वो बेसिकली सूरज की देन है, इसलिए हम उसको थैंक यू कहते हैं, जल चढ़ाते हैं।